नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2020 यहां पर आपकी ऑफिशियल आंसर की एसएससी की तरफ से जारी कर दी गई है। और ऐसे में अगर यहां पर बात करें तो आई होप सब ने आंसर की चेक भी कर ली होगी और सबके अच्छे नंबर भी बने होंगे। दोस्तों आंसर की के बाद में इस बार की आपकी जो अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ रहेगी वो कितनी न रहेगी, नॉर्मलाइजेशन से पहले आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है और नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कितने नंबर आपके बढ़ने वाले, साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो आपकी कितनी रही थी नॉर्मलाइजेशन से पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने नंबर तक अभ्यर्थियों के बढ़े थे, अलग अलग शिफ्ट वाइज यहां पर बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि एसएससी से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। दोस्तों ये कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद की कट ऑफ है और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इतने पर यहाँ पर कट ऑफ गई थी। अगर यहाँ पर बात करें डिटेल से तो इस बार की जो कट ऑफ कितनी जाएगी, उससे पहले मैं आपको पिछली कट ऑफ के बारे में पूरा एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। एक बार पिछली बार की जो जनरल की कट ऑफ रही थी, नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है दोस्तों, ये 169.52 के लगभग आपकी ये कट ऑफ गई थी। एससी की अगर बात करें तो 136 के लगभग एससी की कट ऑफ रही थी, एसटी की 127 कट ऑफ रही थी, ओबीसी की 156 कट ऑफ रही थी, ईडब्ल्यूएस की 149 कट ऑफ रही थी, ईएसएम की 87 कट ऑफ रही थी और अगर यहां पर बात करें ओएच हैंडीकैप 124, डबल एच की 81 और वीएच की 123 और अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी 74 रही थी। और टोटल दोस्तों पिछली भर्ती में 44,856 कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया गया था सीबीटी 2 के लिए और यहां पर टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब यहां पर बात करते हैं इस बार की कट ऑफ है वो 2020 एसएससी सीएसएल की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, नॉर्मलाइजेशन के पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले। तो यहां पर बात करें उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आंसर की हो, रिजल्ट हो या कोई भी नया रिक्रूटमेंट आता है तो उसकी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सबसे पहले मिल पाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2020 की कट ऑफ के बारे में, कितनी कट ऑफ रहेगी और ये कट ऑफ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से पहले की कट ऑफ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आंसर की चेक करने के बाद में अगर आपका स्कोर 135 बिल्कुल दोस्तों 135 के लगभग अगर आपका स्कोर जा रहा है, 135 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेटों के नंबर बढ़ जाते हैं जिसके कारण उनके कम नंबर होते हुए भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका स्कोर 135 प्लस जा रहा है तो आप दोस्तों सेफ मान सकते हैं, सीबीटी 2 की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर दोस्तों आपके 130 प्लस का स्कोर जा रहा है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से पहले का, तो आप ओबीसी कैंडिडेट भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं, लेकिन 130 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की इस बार की जो कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 125 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है दोस्तों रो मार्क्स के हिसाब से तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एससी कैटेगरी की, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर दोस्तों आपका स्कोर 115 के लगभग जा रहा है, 115 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जबकि एसटी की इस बार की कट ऑफ है वो 110 के लगभग, 110 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वही पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ है वो 85 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों ये आप ही के द्वारा बताए गए नंबरों के एनालिसिस के बाद में एक कट ऑफ बनाई गई है, हो सकता है दोस्तों कट ऑफ आपकी एक दो नंबर कम भी चली जाए। साथ ही दोस्तों क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं क्योंकि अलग अलग आपके जिन पारियों में पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी था उनमें कम नंबर बढ़ेंगे लेकिन नंबर आपके जरूर बढ़ेंगे, और मॉडरेट जिनका पेपर था उनमें थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे जबकि जिनका हार्ड पेपर था उनमें काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ने वाले। अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में आपके लगभग कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी शिफ्ट का पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी था और आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही थी तो आपके कट ऑफ आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों आपका पेपर है वो मॉडरेट था और यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी थी
तो यहाँ पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं दोस्तों, 10 से लेकर 15 नंबर तक भी आपके बढ़ सकते हैं। अगर आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल का था दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी पोर्शन हो, जीएस हो, उसके साथ ही मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या इंग्लिश, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके नंबर बढ़ सकते हैं 15 से 20 तक भी, और बढ़े हैं दोस्तों पिछली एसएससी सीएसएसएल में भी काफ़ी ज़्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन में अभ्यर्थियों के बढ़े हैं। दोस्तों अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों आपके कितने नंबर बने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।